को संगा सर और संजू भाई ने बोले थे कि रेडी रहना, कभी भी तेरे को चांस मिलेगा। मैं भी जो भी इतने मैचेस आ रहे थे तो मैं अपने आप को प्रिपेयर रख रहा था कि मैं खेलने वाला हूँ, और मैं इम्पैक्ट सब और इसमें भी मेरा नाम था तो मैं उसमें भी रेडी था। तो टचवुड आज मौका मिला, मैं रेडी था, मैं पहले से भी प्रिपेयर होके ही था कि मुझे बैटिंग आएगी तो ऐसे सिचुएशन पर आने वाली है, क्योंकि मेरा जो रोल है ऐसे ही रहेगा। फिर अंदर गया तो संजू भाई थे, संजू भाई बोले कि टाइम ले, 2-3 बॉल 4 बॉल 5 बॉल खेलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट संजू भाई के साथ जब बैटिंग कर रहा था, जब जो हिसाब से वो बॉल हिट कर रहे थे, चौके छक्के मारे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हमको इतना जो रन रेट है उतना रिक्वायरमेंट है करके। मैं सिर्फ एक ही शॉट से अपने ये था, एक बार अगर मेरा मिडल हो गया तो संजू भाई बोले कि खुल के खेल, बिंदास खेल, बोले तेरे को जो आता है तेरे को वही करना है, बॉल देख और बिंदास मारा बोले। अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, जैसे अभी मेरा भी ये फर्स्ट ईयर है, तो अगर मुझे जितने भी लोगों ने कहा कि अगर आप नहीं खेल रहे हो तो आपको वैसे ही प्रिपेयर रहना है जैसे आप मैच खेलने वाले हो, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इतना हेक्टिक शेड्यूल है, कोई भी इंजर्ड हो सकता है, किसी को भी कुछ भी निकल आ सकता है, क्योंकि इतना लंबा है मैचेस और ये सब 13-14 मैच, उसके बाद नॉकआउट्स लीग जो भी रहने वाले हैं, उसके बाद अगर किसी को कुछ होता है तो ऑब्वियसली उस पर प्लेयर पे कोई रिस्क नहीं लेगा कि वो और खेल के उसको और इंजर्ड करे। तो सभी को ये था इंस्ट्रक्शन कि रेडी रहना है, बस कभी भी मौका मिलेगा आपको बस करना है। सभी से होती है, संगा सर है, टीपी सर है, सिट सर है, वो बैटिंग करते हुए बताते हैं जो भी जब भी लगता है उनको कि ऐसा करना है वैसा करना है, अच्छी बैटिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, ये कर ले और बैटिंग कर ले। हाँ, मेरे को भी लगा कि छक्का ही वो, बट बाद में ऐसा लगा कि थर्ड एम्पायर ने भी वो छक्का ही दिया है, लेकिन बाद में फिर अगर वो टीवी पे देखा जाए तो वो आउट आया है, तो फिर उसकी वजह से थोड़ा सा ये हुआ अप एंड डाउन, बट ठीक है, अभी जो डिसीजन है उसको तो एग्री करना पड़ेगा।